एक व्यूअर ने कमेंट बॉक्स में पूछा है इंडल्ज इन क्या है, यानी स्पोकन इंग्लिश में हमें कब बोलना चाहिए इंडल्ज इन। तो आइए फ्रेंड्स उनकी कंफ्यूजन को खत्म करते हैं। इंडल्ज इन का मतलब होता है मस्त हो जाना या खो जाना, यानी किसी चीज में लुप्त हो जाना। लगता है आप समझे नहीं, आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखें ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। अगर आपको कहना हो वह आइसक्रीम में मस्त हो गई है या वह आइसक्रीम में खो गई है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे शी हैज इंडल्ज्ड इन आइसक्रीम, यानी वह आइसक्रीम में मस्त हो गई है या वह आइसक्रीम में खो गई है। अगर आपको कहना हो वह शतरंज में खो गया है या वह शतरंज में खोया हुआ है या वह शतरंज में मस्त है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही हैज इंडल्ज्ड इन चेस, यानी वह शतरंज में मस्त है या वह शतरंज में खोया हुआ है। अगर आपको कहना हो वह हंसी मजाक में मस्त थी या वह हंसी मजाक में खोई हुई थी, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे सी इंडल्ज्ड इन जोकिंग, यानी वह हंसी मजाक करने में खोई हुई थी। यहाँ मैं आपको बता दूं इंडल्ज एक वर्ब है जिसका पास्ट फॉर्म होता है इंडल्ज और जिसका आईएनजी फॉर्म होता है इंडल्जिंग। तो इस वर्ड को आप टेंस के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करें। अगर आपको कहना हो वह शराब में खोया हुआ था या वह शराब में मस्त था, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही इंडल्ज्ड इन वाइन, यानी वह शराब में खोया हुआ था। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपने इस बात को शानदार तरीके से सीखा कि इंडल्ज इन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें कहना हो कोई इंसान किसी चीज में खोया हुआ है या कोई इंसान किसी चीज में मस्त है। अगर वाकई आपको यह कंसेप्ट शानदार तरीके से समझ में आया तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखे और मैं चेक करके बताऊंगा कि आपने सही सीखा या गलत। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।